हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना शर्मा चाचीज किचन कुक बुक पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ गोभी मंचूरियन की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का गोभी का फूल लिया है, जिसे मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया। अब इसे हम सबसे पहले हल्का सा बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में पानी रखा है। इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। इसके अंदर हम कटी हुई गोभी डाल देंगे और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे कि इसका कलर बहुत सुंदर आ जाएगा। और इसे एक उबाला अंत तक उबालेंगे। गोभी में उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे छलनी में छान कर एक बाउल में निकाल लेंगे। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ना डालें। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने 3 बड़े चम्मच मैदा और 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। तो ये मैदा थोड़ी सी डालूंगी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालूंगी। इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, इसे अच्छी तरह से हाथों में मिलाएंगे। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि ये भी थोड़ा गर्म है और इसमें मैंने नमक डाला है, तो थोड़ा पानी तो ये खुद ही छोड़ेगा। अब इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल देंगे सारी। हल्का सा पानी लगाएंगे, पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमें। बस इसमें इतना पानी डालना है जिससे कि मैदा और कॉर्नफ्लोर गोभी में अच्छी तरह से लिपट जाए। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तेल मैंने गर्म होने रख दिया है। पहले हाई फ्लेम पर हम तेल गर्म कर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे, जिससे कि ये अंदर से कच्ची ना रहे और थोड़ा देर सेकने के बाद ये ऊपर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट हो जाए। हम इन्हें गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। गोभी के पीसेस बहुत छोटे छोटे काटने चाहिए, जिससे कि फ्राई होने के बाद एकदम करारी क्रिस्प हो सके। इन्हें फ्राई होने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। हमारी गोभी की पकौड़ी गोल्डन क्रिस्प हो चुकी है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के भी गोभी के पीसेस में इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। गोभी के पकौड़े आप बिना मंचूरियन बनाए ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत स्वाद लगते हैं। हमारी गोभी की सारी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, लगभग आधा कप पानी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े। अब इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच शेजवान सॉस और 1 चम्मच टमाटो सॉस। अब इसमें आधा कप के करीब पानी डालकर हम इसे रख लेंगे। अब एक पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और उसके बाद इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, 1 चम्मच अदरक पेस्ट। ऐसे आधा मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसे भी आधा मिनट भूनेंगे। इसके अंदर 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और 2 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई हरी प्याज डालेंगे। 1-2 मिनट तक भूनेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इनका कच्चापन निकालना है। अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ऐसे भी 2-3 सेकंड तक भूनेंगे। अब इसके अंदर हमने जो सॉस का मिक्सचर बना के रखा था उसे डाल देंगे। अब इसे चलाएंगे फटाफट। देखिए कितनी जल्दी गाढ़ा और चिकना होता चला जा रहा है, शाइन करने लगा है। इसकी चमक ही ग्रेवी में सबसे मेन चीज़ होती है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे,
क्योंकि सॉस में नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा देख कर ही डालेंगे। अब इसके अंदर हम गोभी के पीसेस डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं, और हमारा गोभी मंचूरियन बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डालेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।